हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज हम एक बड़ी प्यारी सी लेडीज़ कोटी बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये मेरा गोला छोटा है, मैं इसके साथ बड़े वाला गोला ऐसे राउंड करके रखूँगी। जब फंदे डालते हैं तब हमें एक तरफ से खींचा हुआ फंदा चाहिए तो हमारे फंदे सही बनेंगे। ये 10 नंबर की सिलाई है। अगर आपका हाथ थोड़ा सा भी टाइट चलता है तो आप 9 नंबर की सिलाई लेंगे। ये फैदर की ऊन है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बॉर्डर बताऊंगी, थोड़े कम फंदों में बता दूंगी। बिल्कुल सिंपल बॉर्डर बनाए हैं मैंने, नोट लगा लिया। ये धागा मेरा खींचा हुआ है। इस धागे को उंगली की मदद से सिलाई पे रख के ये वाला धागा ऐसे खींच लेंगे तो हमारा फंदा बन जाएगा। देखिए ऐसे। देखिए, अभी तो मैं आपको बॉर्डर बताऊँगी, फिर मैं आपको बता दूँगी मैंने कितने फंदों में बॉर्डर तैयार किया है। ठीक है, कम फंदे ले लेते हैं हम बॉर्डर के लिए। वैसे तो सबको ये बिल्कुल सिंपल बॉर्डर है, आता है बनाना, लेकिन फिर भी थोड़ा बताना पड़ता है शुरू में। देखिए, एक फंदा ऐसे उल्टा बनाऊंगी मैं, धागा पीछे करूंगी, एक फंदा सीधा बनाऊंगी। बिल्कुल सिंपल बॉर्डर बनाए हैं। धागा दोबारा हमारा आगे आएगा, आगे से उल्टा फंदा बनेगा। धागा पीछे करूँगी तो ऐसे पीछे से फंदा बन जाएगा। धागा आगे करूँगी, आगे से फंदा बनेगा। धागा पीछे करूँगी, मेरा फंदा पीछे से बनेगा। धागा आगे करूँगी, आगे से फंदा बनेगा। उल्टा पीछे करूँगी, ऐसे सीधा फंदा बनेगा। इसी तरह जितने मेरे पल्ले में फंदे डालने हैं उनका इसी तरह मैंने सभी फंदों को इसी तरह बना लेना है। एक आगे से धागा पीछे करके, एक फंदा पीछे से। ये बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन बॉर्डर होता है, आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। देखिए, लास्ट वाला फंदा मैंने सीधा बनाया था और वो इस तरफ से ऐसे उल्टा दिख रहा है, उसको उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे करूँगी, आगे वाला मुझे ऐसे सीधा दिखेगा, उसको सीधा बनाएंगे। उल्टी तरफ से जो फंदा मेरा दिखेगा उसको उसी तरह बनाएंगे। दो सिलाइयाँ डालने के बाद हमारा बॉर्डर एकदम सही हमें दिखने लग जाता है कि हमारा फंदा सीधा है या उल्टा है। जैसा दिखेगा उसी तरह धागा घुमा के उसको वैसे ही रिपीट कर लेंगे। ठीक है, दूसरी सिलाई, वे तीसरी सिलाई। जितना हम बॉर्डर डालेंगे, देखिए ये सबसे पहले फंदा उल्टा है, उल्टा बनाऊंगी, धागा पीछे करूंगी, आगे मेरी फली दिखने लगी है, ये सीधा बन गया, इसको सीधा बनाऊंगी। बस हमारा बिल्कुल सिंपल बॉर्डर तैयार किया है मैंने। इन सिलाइयों को इसी तरह रिपीट करते जाएंगे और बॉर्डर की लंबाई बढ़ा लेंगे। दिखाऊंगी मैं आपको कितना बॉर्डर बनाया है मैंने और कितने फंदे डाले हैं। ठीक है, इसी तरह आगे पीछे धागा करते जाएंगे और बॉर्डर बनाते जाएंगे। देखिए, तीन सिलाइयाँ हो गई। इसी तरह हमें बार बार रिपीट करना है तो हमारा ये डिज़ाइन उभरा हुआ हमें मिल जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये पहला पल्ला है सामने का। मैंने सामने से अपनी जो जर्सी बनाऊंगी उसको बंद रखा है। ये मैंने 100 फंदे डाले हैं, 100 फंदे हैं मेरे। और देखिए, उसी तरह मैंने बॉर्डर रिपीट किया है 100 फंदे डाल के। ठीक है, देखिए मैंने इतना बनाया, आपको दिखा देती हूँ एक बार। ठीक है, पूरा 3 है ये। अब इतनी सिलाई मैंने डाल ली 100 फंदे डाल के। पहला सामने का पल्ला मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिएगा, उल्टी तरफ से मैं अपने फंदे बढ़ा लूँगी जब हम ऊपर डिज़ाइन शुरू करेंगे। जितना बॉर्डर बनाना चाहते हैं उतना बना लीजिएगा। अब उल्टी सिलाई मेरी पूरी उल्टी बनेगी। अब तब तक हम बॉर्डर बना रहे थे, हमारी लंबाई पूरी होगी बॉर्डर की। अब देखिए, एक फंदा मैंने बना लिया, आगे से एक फंदा ऐसे बनाऊंगी और उसी फंदे को ऐसे घुमा के पीछे से बना लूंगी। मेरा एक फंदा बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे की मैं 6 फंदे बना लूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 बना लीजिए। 7 फंदे मैंने बना लिए, एक फंदा और बढ़ाएंगे, ऐसे उसी फंदे को ऐसे घुमा के पीछे से। एक फंदे के 2 फंदे मेरे बन गए, बाकी फंदे मैं अपने सिंपल बनाऊंगी। 2 3 4 5 6 7 फंदे, 8वां फंदा मैं अपना डबल कर लूंगी। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वां फंदा मेरा डबल हो जाएगा।
पूरी सिलाई में इसी तरह बनाऊंगी, दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। 7 फंदों के बाद मैं एक फंदा बढ़ा रही हूँ अपना, ठीक है। 100 फंदे हैं मेरे सिलाई में, अब 112 फंदे हो जाएंगे टोटल। मैं अपने 12 फंदे पहली सिलाई में बढ़ाऊंगी, पूरी सिलाई में मुझे एक एक फंदा बढ़ाना है। उस हिसाब से अगर आपका 6 फंदों के बाद बढ़ रहा है तो ठीक है, 7 के बाद बढ़ा लीजिएगा, 8 के बाद एक फंदा बढ़ा लीजिएगा। पूरी सिलाई में हमें एक एक फंदा बढ़ाना है लास्ट तक, ठीक है। दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए फ्रेंड्स, मैंने उल्टी सिलाई में अपने फंदे बढ़ा लिए, टोटल मेरी सिलाई में 112 फंदे हैं, ठीक है। इसकी चौड़ाई दिखा दूँगी मैं आपको कितनी बनी 112 फंदों की। देखिए हम अपना डिज़ाइन शुरू करने लगे हैं। अगर आपको लगे कि 7 के बाद फंदे ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो आप 8 के बाद बढ़ा लीजिएगा, 9 के बाद भी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। उस हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने इस सिलाई में अपने 12 फंदे बढ़ाए हैं, 100 फंदे मैंने शुरू से डाले थे, 12 फंदे अब बन गए, 112 फंदे बन गए। अब हम अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। सिर्फ एक ही सिलाई का डिज़ाइन है और बहुत ही प्यारा बनता है। देखिए सबसे पहले हमें अपने प्लेन फंदे बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। मैं आपको और बना के दिखाती हूँ, 11 बताऊँगी आपको कितने फंदे मैंने बना लिए, 12, 13, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्लेन फंदे बना लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17 जोड़ हैं ये, 34 फंदे हैं। एक और बना लेती हूँ मैं, 35 35 फंदे मैंने अपने बिल्कुल प्लेन बनाने हैं। जो बीच में मेरे फंदे हैं उनके ऊपर डिज़ाइन बनेगा, धागा आगे करेंगे। 1, 2, 3 फंदे मैंने उल्टे रखे हैं, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, आगे 2 फंदों का एक बनाऊंगी मैं, एक फंदा सीधा, ठीक है, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, ये जाली बन जाएगी। जो हमने फंदा कम किया वो दोबारा बढ़ जाएगा। धागा आगे करके दोबारा एक फंदा सीधा, आगे 2 फंदों का एक, एक फंदा सीधा, बस यही डिज़ाइन है हमारा, बार बार यही रिपीट होगा। देखिए 3 फंदे मैंने उल्टे बनाए थे, उसके बाद में 2, 4, 6, 8, 9 फंदों पे हमारा ये बीच वाला डिज़ाइन है। एक बार और देखिए, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे, 3 और ये 4। शुरू में मैंने 3 फंदे उल्टे रखे हैं, आप 4 भी रख सकते हैं, ठीक है। देखिए 4 फंदे उल्टे आ गए, धागा पीछे करूँगी, एक फंदा सीधा, आगे 2 फंदों का एक बना दूंगी पहले ही, फिर एक फंदा सीधा, ठीक है। धागा आगे करके ये एक फंदा सीधा, ये हमें हमारा ऐसे ही रहेगा फंदा सीधा। धागा आगे करके दोबारा एक फंदा सीधा, उसके बाद 2 फंदों का एक और एक फंदा सीधा, 2 बार मैंने डिज़ाइन रिपीट कर लिया। धागा आगे करके 1, 2, 3, 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे, ध्यान से देखिएगा, एक बार और रिपीट करने लगी हूँ। एक फंदा सीधा, 2 फंदों का एक बनाऊंगी, एक फंदा सीधा, ठीक है। टोटल मेरी सिलाई में 3 फंदे सीधे हैं। धागा आगे करके एक फंदा सीधा बनाऊंगी, धागा फिर आगे करूंगी, एक फंदा सीधा बनाऊंगी, आगे के 2 फंदों का एक करूंगी और एक फंदा लास्ट में सीधा बन जाएगा। सिर्फ एक सिलाई का डिज़ाइन है हमारा, बार बार यही फंदे हमें रिपीट करने हैं। धागा आगे करके इस तरफ के 3 फंदे उल्टे, शुरू में भी हमने 3 रखे थे, अब लास्ट में भी मैंने अपने फंदे 3 रख लिए हैं, ठीक है। बीच बीच में मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, दोनों तरफ मैं अपना प्लेन फंदे चलाऊँगी। 35 फंदे मेरे शुरू में प्लेन थे, अब इस तरफ भी मेरे 35 फंदे आने चाहिए, 35 फंदे। उस हिसाब से जो बीच में हमारे फंदे हैं उनमें हमने डिज़ाइन डाला है। बीच में हमारे 4-4 फंदे उल्टे चलेंगे, शुरू में 3 उल्टे चलेंगे, इस तरफ 3 उल्टे चलेंगे। जो बीच में आएंगे वो 4-4 लिए हैं मैंने, आप अपने फंदों के हिसाब से इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस तरफ के मेरे 35 फंदे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ के ये 35 फंदे मुझे
जैसे मैंने सबसे पहले प्लेन बनाए थे, ये मुझे अपने फंदे इसी तरह बिल्कुल सिंपल प्लेन बनाने हैं। ठीक है, उल्टी सिलाई मेरी पूरी उल्टी बनेगी, दिखाती हूँ मैं आपको एक बार। ये 35 फंदे हैं मेरे, 35 फंदे हैं। देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई मेरी निकल गई, ये प्लेन फंदे बन गए। उल्टी तरह से ये पूरी सिलाई मुझे उल्टी बनानी है। पूरी सिलाई जितनी भी मेरे उल्टी तरफ से सिलाइयाँ बनेगी, उल्टी ही बनेंगी। ठीक है, दोबारा सामने आके दिखा देती हूँ एक बार और। देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई मैंने उल्टी प्लेन निकाली। अब जो मैंने 35 फंदे अपने शुरू में प्लेन निकाले थे, ये हमारे प्लेन ही चलेंगे। जब तक हमारे मोड़े की काट तक हम नहीं पहुँच जाते, तब तक ये वाले फंदे 35 समय प्लेन ही बनाने हैं। अगर आप ज़्यादा फंदे ले रहे हैं तो ये फंदे आपके 36 आ जाएंगे, 37 आ जाएंगे। फंदों के हिसाब से आप इनको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप कम फंदे ले रहे हैं तो आपके ये 30 आ जाएंगे, 28 आ जाएंगे। ठीक है, उस हिसाब से आपको ये प्लेन फंदे साइड में इसी तरह बनाने हैं। जितने आप फंदे ले रहे हैं उस हिसाब से प्लेन फंदे इसी तरह बना लेंगे हम दोनों तरफ। जो बीच में रह जाएंगे उनके ऊपर हमारा डिज़ाइन आएगा। दिखाऊंगी आपको बीच में कितने फंदों के ऊपर हमारा डिज़ाइन आया है। ये फंदे मेरे इसी तरह प्लेन बनेंगे हर बार। ठीक है, एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको, जब तक मैंने बीच में नहीं आ जाती, जब तक डिज़ाइन शुरू किया मैंने। ठीक है, अब देखिए मैं डिज़ाइन पे पहुँच गई हूँ। धागा आगे करके सबसे पहले 3 फंदे मैंने उल्टे बनाए। आप ये 4 भी ले सकते हैं, इनको आप 5 भी कर सकते हैं अगर आपके फंदे ज़्यादा हैं। ठीक है, मैंने 3 फंदे उल्टे लिए, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बनाया। पहली सिलाई भी मैंने आपको इसी तरह बताई थी। आगे 2 फंदे हैं, उनका एक बनाना है, एक फंदा सिंपल बना लेना है। ठीक है, धागा आगे करके इस फंदे के ऊपर जाली डालनी है। धागा फिर आगे आएगा, एक और जाली बनेगी, ये फंदा सीधा बन जाएगा। अब आगे के 2 फंदे हैं, दोनों का एक बनाना है हमें, और एक फंदा सीधा बनाना है। हमारे डिज़ाइन की एक लाइन पूरी हो गई। 9 फंदों पे हमारा ये डिज़ाइन बन रहा है। धागा आगे करेंगे, मैंने बीच में 4 फंदे उल्टे लिए हैं, 1, 2, 3, 4। आप ये 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं अगर आपके फंदे ज़्यादा हैं तो। 4 ले लिए मैंने, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा आ गया। आगे 2 फंदों का एक बनाऊंगी, एक फंदा सीधा बनाऊंगी। ये 3 फंदे मेरी सिलाई में सीधे दिखेंगे हमें। उसके बाद हमें धागा आगे करना है, ये फंदा इसी तरह सीधा रहेगा हमारा, इसके दोनों तरफ जाली बनेगी। धागा फिर आगे होगा, ये फंदा सीधा बनेगा। आगे के 2 फंदों का एक बनेगा, बस इसी तरह बनाते जाइए आप। आगे का एक फंदा सीधा, दूसरी बार का डिज़ाइन मेरा पूरा हो गया। ठीक है, दूसरी लाइन डिज़ाइन की सेम लाइन ही चलेंगी हमारी सीधी, बीच में 4 फंदे उल्टे आएंगे। अब धागा आगे किया मैंने, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे, 4 फंदे उल्टे। धागा पीछे किया, एक फंदा सबसे पहले सीधा बनाऊंगी, आगे के 2 फंदों का एक बनाऊंगी। एक फंदा सीधा बन गया, टोटल 3 फंदे बनाते हैं हम। धागा आगे करूंगी, ये फंदा सीधा बनेगा। धागा फिर आगे आएगा, ये फंदा सीधा बनेगा। आगे के 2 फंदों का एक बनेगा और ये फंदा सीधा बनेगा। जो फंदा सीधा बन रहा है वो शुरू से लेकर लास्ट तक सीधा ही चलेगा। धागा आगे करूंगी, इस तरह मैंने अपने 3 फंदे उल्टे रखे हैं। अगर आपके फंदे ज़्यादा हैं तो आप 4-5 फंदे उल्टे कर सकते हैं इस तरफ। ठीक है, 3 फंदे उल्टे, ये मेरे प्लेन फंदे आ गए जो मैंने साइड में रखे हैं। इनको मैं इसी तरह सीधा बनाऊंगी, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊंगी। फिर सामने आके एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए डिज़ाइन मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छे समझाने की। बीच बीच में मैंने सिर्फ 3 लाइनें डिज़ाइन की बनाई हैं और 4-4 फंदे उल्टे रखे हैं। थोड़ा बनने के बाद ये अच्छे से दिखेगा आपको। ठीक है, ये फ्रेंड्स मैंने उल्टी सिलाई निकाल ली, प्लेन फंदे बना लिए, दोबारा सामने आ गई हूँ। 35 फंदे बनते हैं। आप फंदों के हिसाब से ये आपके कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। धागा आगे करूँगी, 3 फंदे उल्टे,
आप यहाँ पे चार या पांच भी उल्टे कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। धागा पीछे करेंगे, सेम इसी तरह हमें बार बार रिपीट करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। सिर्फ एक ही सिलाई का डिज़ाइन है, वही फंदे बार बार रिपीट करने हैं। ये फंदा हमारा सीधा ही चलेगा, आगे के दो फंदे हर बार एक बनेंगे, आगे का एक फंदा सीधा रहेगा। ठीक है, चार फंदे होते हैं, चार में से हम तीन बना लेते हैं। अब धागा आगे करूंगी, ये फंदा हमारा इसी तरह सीधा चलेगा, इसके दोनों तरफ हमारी जाली बनेगी। धागा आगे, फिर फंदा सीधा, आगे के दो फंदे एक और एक फंदा सीधा। एक बार हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है, नौ फंदे बन जाते हैं हमारे। ठीक है, हम फंदे अपने कम करते हैं और वहीं पे बढ़ा लेते हैं। धागा आगे करके चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार। धागा पीछे करके ये फंदा हम हमेशा सीधा बनेगा, आगे के दो फंदे एक बनेंगे, जब तक हमारा डिज़ाइन ख़त्म नहीं हो जाता। इसी तरह रिपीट करना है हमें, आगे का एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके ये फंदा हमारा इसी तरह सीधा रहेगा। धागा आगे करके ये फंदा सीधा, आगे के दो फंदों का एक, आगे एक फंदा सीधा। हमारा दूसरा दूसरी बार भी डिज़ाइन बन गया, बीच में प्लेन फंदे आ गए। अब धागा आगे करके प्लेन फंदे बनेंगे चार, एक दो तीन चार। धागा पीछे करके एक बार वही सेम डिज़ाइन रिपीट होगा, एक फंदा सीधा, दो फंदों का एक, सिंपल तरीके से बस ऐसे ही, आगे एक फंदा सीधा। ठीक है, चार फंदे थे, हमने तीन बना लिए। धागा आगे करके एक फंदा ये इसी तरह चलेगा हमारा सीधा, धागा आगे करके फिर एक फंदा सीधा बनेगा, उसके बाद में दो फंदों का एक बनेगा, आगे का एक फंदा सीधा। बस आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इसी तरह रिपीट कीजिएगा। धागा आगे करके इस तरफ के मैंने तीन फंदे उल्टे रखे हैं, आप ये चार या पांच भी रख सकते हैं दोनों तरफ। धागा पीछे करके ये फंदे हमारे सीधे ही बनेंगे, ये फंदे भी आपके कम ज़्यादा हो सकते हैं दोनों तरफ। बीच बीच वाले फंदों पे हमने डिज़ाइन डाला है, बराबर फंदे साइड में रख के ये वाले फंदे इसी तरह सिंपल चलेंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी आएगी। मैं बार बार इसी तरह रिपीट करके आपको दिखाती हूँ आप मेरा डिज़ाइन कैसा बनेगा। ठीक है, इसकी चौड़ाई दिखा दूँगी मैं आपको, 112 फंदों की कितनी आई हैं। अगर आप 110 रख रहे हैं तो ये वाले फंदे आपके 34 आ जाएंगे। कम ज़्यादा रख रहे हैं उस हिसाब से हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा बनेगा, ये बीच बीच में आएगा डिज़ाइन। देखिए फ्रेंड्स, बार बार रिपीट करके हमारा ये डिज़ाइन ऐसा दिखेगा, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, एकदम उभरा हुआ बनेगा और बिल्कुल बीच बीच में ये मेरा डिज़ाइन बना है। ठीक है, मैंने बार बार एक ही सिलाई हमें रिपीट करनी है। देखिए 112 फंदों की चौड़ाई दिखा देती हूँ मैं आपको, ये ऐसे, बिल्कुल भी खींच नहीं रही हूँ मैं, देखिए, और इस तरह 18.5 के करीब है। ये 112 फंदों की चौड़ाई है, उस हिसाब से आप अपना डिज़ाइन बना लीजिएगा। इसकी मोड़े की कटाई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, और बताइएगा आपको अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।